और छत्तीसगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। दो दिवसीय दौरे के तहत थोड़ी देर में रायपुर पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। बता दें कि थोड़ी देर में वो रायपुर पहुँचेंगे और बीजेपी की उच्च स्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और इस दौरान आरोप पत्र जारी करने से पहले बैठक करेंगे। कल बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी हो सकती है, तो बीजेपी आरोप पत्र जारी करेगी, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। और बता दें कि कल बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो बता दें 2 सितंबर से राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, वो भी 2 दिन के लिए रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और युवा सम्मेलन में शामिल होंगे राहुल गांधी और इस युवा सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। उस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि मतदाताओं से भी पहली बार मिलने वाले हैं राहुल गांधी, जो पहली बार के मतदाता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, राज्य सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं उनको लेकर भी अवगत करवाएंगे। तो 2 बड़ी खबर, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आज पहुंच चुके हैं, तो कल राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 2 दिग्गज नेता, दोनों पार्टी के प्रमुख चेहरा छत्तीसगढ़ पर फोकस है, आगामी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सभी पार्टी अब लगातार युवाओं के बीच में जा रही है, मतदाताओं के बीच में जा रही है और लगातार नेताओं से भी मुलाकात की जा रही है। और बता दें कि कल बीजेपी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर सकती है। तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश की तरह ही छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में नेताओं का दौर भी लगातार जारी है, दौरे भी लगातार जारी हैं। बता दें कि अमित शाह लगातार इस महीने में 4थी बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और इसी बीच राहुल गांधी भी 2 सितंबर को रायपुर आ रहे हैं। यहाँ पर पार्टी युवाओं पर फोकस करते हुए चुनाव जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और ये तस्वीरें देखिए राहुल गांधी की है, जो कल वहाँ पहुँचने वाले हैं, रायपुर पहुँचेंगे। राहुल गांधी युवाओं से मुलाकात करेंगे, युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे, लेकिन उनसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर पहुंचने वाले हैं, वो भी 2 दिवसीय दौरे पर हैं और थोड़ी देर में वो रायपुर पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और बीजेपी की उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में प्रदेश के स्टेट हेड अनिल पुसतकर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि 4 बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे कर चुके हैं और अब राहुल गांधी भी कल आने वाले हैं, ऐसे में क्या कुछ दोनों पार्टियों की तरफ से प्रदेश के लिए जारी हो सकता है? क्या बीजेपी की दूसरी सूची भी कल जारी हो सकती है और राहुल गांधी भी ऐसे में आ रहे हैं, तो राहुल गांधी क्या कुछ करने वाले हैं? सर, हाँ, कल राहुल गांधी आ रहे हैं यहाँ पर जी, और कल वो कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलने के अलावा जो है यहाँ पास में एक राजिम है, राजिम में युवाओं के सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे, वो युवाओं से मिलेंगे, रोजगार के बारे में उनसे चर्चा करेंगे और युवाओं के बहाने वो छत्तीसगढ़ के जो वोटर हैं उनको टटोलेंगे, उनका मन टटोलेंगे। और ये लगातार जो है कांग्रेस यहाँ पर दौरे कर रही है, शैलजा यहाँ बैठी हुई है, इनकी जो प्रभारी है छत्तीसगढ़ प्रभारी, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती। और दूसरा, जो जिस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन का जो नारा अभी इन्होंने दे दिया है बीजेपी ने, तो और जो है कांग्रेस जो है सक्रिय नजर आ रही कि बीजेपी वापस ना आ जाए, बीजेपी को रोकने के हर संभव प्रयास हो रहे हैं। जी मनीष, लेकिन सर एक सवाल यहाँ पर यह है कि लगातार 4थी बार और अब 5वीं बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, जो अभी हालिया में जो सर्वे आए हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, ऐसे में कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है राहुल गांधी वो भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी थोड़ी देर में रायपुर पहुंचने वाले हैं, दोनों नेताओं की जो दौरे हैं कार्यकर्ताओं को लेकर की और जो पार्टी में जो जो लगातार बातें सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के इतने नेता बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी के कुछ नेता भी अभी कांग्रेस के संपर्क में आए हैं, हालांकि ये रिपोर्ट भी आ रही थी कि कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, ऐसे में कार्यकर्ताओं को कितना बल मिलेगा? सर, सवाल मेरा यह है कि कार्यकर्ताओं को लेकर की दोनों पार्टी का एजेंडा क्या है, बल कितना मिल सकता है? जी जी जी, बिल्कुल सही सवाल, बिल्कुल सही सवाल है आपका। और ये अमित शाह का 70 दिनों में 4था दौरा है, अमित शाह यहाँ 4थी बार आ रहे हैं और कल वो जो है कल 11 बजे जो साइंस कॉलेज का यहाँ पे एक ऑडिटोरियम है, दीनदयाल ऑडिटोरियम, वहां पर वो भूपेश सरकार के खिलाफ आरोप पत्र पेश करेंगे।
सरकार को, भूपेश सरकार पर जो आरोप कांग्रेस यहाँ बीजेपी लगाती रही है उसका पुलिंदा वो पहले ही ले गए थे, और वो आरोप पत्र वहां से बनाकर ला रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है वो खुद यहाँ पर आरोप पत्र जारी करेंगे, आज वो पदाधिकारियों और जितने भी कार्यकर्ता उनसे बात करेंगे। इसके अलावा कल वो यहाँ पे पास में महासमुंद और सरायपाली दो विधानसभाएं हैं, वहां पर जनजाति समाज के लोगों के द्वारा जो सम्मान समारोह है उसमें शामिल होंगे। लेकिन सर ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमित शाह यहाँ, सर सवाल ये उठता है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो केंद्र से आरोप पत्र क्यों बना के लिए कह रहे हैं? क्या उन्होंने राज्य के जो नेता है, राज्य के जो वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है रमन सिंह जी, उनसे इस विचार इसको लेकर के विचार विमर्श किया है, या सिर्फ केंद्र से जो आरोप पत्र जारी हुआ है वही आरोप पत्र रहेगा? इसमें क्या उन नेताओं के भी सवाल, उन नेताओं की नाराजगी भी शामिल रहेगी जो सवाल करना चाह रहे हैं मौजूदा सरकार से? जी 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 जी, देखिए जो यहाँ सतनामी समाज के एक बहुत बड़े जो धर्मगुरु हैं बालदास, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ चुके हैं, और बीजेपी के जो कुछ नाराज है जिनको ऐसा लगता है कि उनकी टिकट नहीं मिलेगी, वो थोड़ा सा कन्नी काट कर चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो जो पिछली बार जो टिकट बटी थी 17 में से 21 में से 17 जो है वो उन्होंने नए चेहरों को दिया था, तो वो ये साफ एक बार कह चुका, एक तरीके से वो साफ कर चुके हैं कि हम जो है पुराने और जो घिसे पिटे चेहरे उन पर दांव नहीं लगाएंगे, और जीत की जो गारंटी देगा उस पर दांव खेलेंगे। और संभवतः सबसे बड़ी बात यह है कि संभवतः कल बीजेपी अपनी जो है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर देगी। जी मनीष सर, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक तरफ मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार से कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ में आरोप पत्र जारी किया था, लेकिन बीजेपी यहाँ की मध्य प्रदेश की जो बीजेपी पार्टी है उन्होंने उस आरोप पत्र को खारिज कर दिया था, लेकिन इसी प्रकार का आरोप पत्र छत्तीसगढ़ में बीजेपी लागू कर जारी करने वाली है। ऐसे में दोनों के जो स्टेट के जो आरोप पत्र हैं कुछ अलग अलग दिखते हैं और कुछ यहाँ पर उसका समर्थन और वहां पर विरोध, ऐसा क्या है सर इसमें? देखिए ये अब चुनाव है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप अपनी अपनी ढपली, अपनी अपना राग है, जिसको जो आरोप लगाना है लगाएगा ही और जिसको जो बचाव करना है करेगा ही। लेकिन ये बात जरूर है कि छत्तीसगढ़ की चुनाव में अब जो है वो पारा जो है वो रिकॉर्ड तोड़ उछाल मार रहा है, और ये जितने बड़े नेता है, जैसे चाहे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हो राहुल गांधी, उनका प्रवास हो या गृह मंत्री, वो यहाँ पर हो 30 किलोमीटर के दौरे पे एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, और अब ऐसा लगता है कि जो राज्य है वो इलेक्शन मोड में आ गया है। जी मनीष जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के दो दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। राहुल गांधी कल रायपुर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं, और हो सकता है कि कल बीजेपी अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर दे। दूसरी तरफ राहुल गांधी युवाओं को संबोधित करेंगे, युवा सम्मेलन में शामिल होंगे।